नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके प्रिय YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक रहस्यमयी घटना के ऊपर, जो कि भक्तों में बेहद ही प्रचलित है और इस कथा को भी लोग बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। यह कथा पूर्ण रूप से सत्य के ऊपर बनाई गई है, इसलिए हम आपसे इसे अवश्य साझा करेंगे, आप भी इस कथा का आनंद उठाएं। मित्रों, यह कथा है एक लड़की की जिसने निधिवन में रात बिताई थी और वे लड़की जम्मू की मानी जाती है और यह ब्रज में भी कथा प्रचलित है। मित्रों, निधिवन वो जगह है जहां आज भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रात्रि को आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। मित्रों, ऐसे विभिन्न प्रकार के अनेकानेक रहस्य निधिवन में छिपे हुए हैं और उन्हीं प्रमुख 10 रहस्यों के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको भी निधिवन के इन 10 रहस्यों के विषय में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस निधिवन के 10 रहस्य वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस जानकारी की ओर। मित्रों, आश्चर्य की बात यह भी है कि वही वृक्ष निधिवन में जो 16108 की संख्या में है, माना जाता है कि वही रात्रि को गोपी बन जाते हैं और स्वयं श्री कृष्ण बांके बिहारी जी आते हैं और निधिवन में रासलीला करते हैं। इसीलिए प्रत्येक रात्रि को कोई भी निधिवन में नहीं रुकता है, जो रुकता है वे या तो पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी अनेकानेक प्रचलित घटनाएं हैं। एक प्रचलित लड़के की घटना के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, आप उसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल समझते हैं इस जम्मू की लड़की की घटना को। मित्रों, यह भी कथा ब्रज में प्रचलित है कि जम्मू में एक लड़की थी। जब छोटी थी तभी से उसे श्री कृष्ण से बहुत ही स्नेह था। वे अपनी माता से पूछती थी कि ये जो मैं श्री कृष्ण लीला देखती हूँ तो सचमुच मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तब वे यह कहकर टाल देती थी कि तुम बड़ी हो जाओ, श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसा करते करते लड़की तो बड़ी हो गई, लेकिन उसे बहुत ही कृष्ण से स्नेह था। माता ने सोचा कि बड़ी होने पर शायद इसकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाए, लेकिन यह जिज्ञासा और बढ़ती गई और उस लड़की ने कई ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुई कि आखिर उसे सचमुच श्री कृष्ण कब और कैसे मिलेंगे। तब उसे धर्म ग्रंथों के अनुसार पता चला कि कृष्ण तो वृंदावन में ही मिलेंगे और वे दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में पधारी और वे वहाँ के प्रत्येक मंदिरों में दर्शन की, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मिले। वे अंत में श्री बांके बिहारी मंदिर में गई और बांके बिहारी जी का दर्शन की, लेकिन उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उसने पुजारी से पूछा कि श्री कृष्ण तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, हमें श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमें यह बताइए, क्योंकि मैं बचपन से ही उन्हें खोज रही हूँ। मित्रों, लड़की की विचित्र व्यथा को देखकर पुजारी जी ने उन्हें कहा कि बेटी, श्री कृष्ण तो यहाँ मूर्ति रूप में ही मिलेंगे, आप विग्रह के दर्शन करिए, भगवान का स्मरण करिए, पूजा इत्यादि करिए, आपको श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। लेकिन पुजारी के इस उत्तर से वे लड़की संतुष्ट नहीं हुई और पास में ही एक बूढ़े दादाजी बैठे हुए थे जो लड़की को रोते हुए देख गए और उन्होंने उसे बताया कि श्री कृष्ण संपूर्ण वृंदावन में एवं पूर्ण धरती पर तुम्हें निधिवन में मिल सकते हैं, क्योंकि निधिवन ही वृंदावन में वो जगह है जहां आज भी माना जाता है कि रात्रि को स्वयं श्री कृष्ण साक्षात रूप में आते हैं और 16108 निधिवन की वृक्ष गोपिया स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए बेटी, रात्रि को वहां कोई भी नहीं रुकता है और तुम भी मत रुकना, तुम निधिवन का दिन में ही दर्शन कर लो ताकि तुम्हें भक्ति में और भी
आनंद प्राप्त हो सके। ऐसा कहकर वे वृद्ध दादाजी वहां से चले गए। लड़की ने बहुत सोचा कि वे निधिवन में अवश्य रात्रि को रुकेगी, लेकिन समय न मिलने के कारण वे कुछ दिनों तक निधिवन में नहीं रुक पाई, क्योंकि रात्रि को वहां से सबको हटा दिया जाता था। अंततः एक रात्रि को शाम के समय में ही उस लड़की ने जाकर निधिवन में छिप गई और उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। मित्रों, प्रचलित ब्रजवासियों एवं कथा के अनुसार रात के 2:30 बजे उसे बंसी की आवाज़ और पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वे अपने नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कर रही थी, लेकिन देख नहीं पा रही थी। उसे निधिवन में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता था, और जब उसने देखने का प्रयास किया तो उसे दिखा कि ढेर सारी औरतें वहाँ पर नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और एक सुंदर पुरुष वहाँ पे नृत्य कर रहा है। वे दूर से ही उन्हें श्री कृष्ण समझकर प्रणाम की, और मन में उसने श्री कृष्ण से, मैं आपको निरंतर खोजती रही, मैंने धर्म ग्रंथों का पाठ किया, पूजन किया, लेकिन इस भौतिक संसार में मुझे आप कहीं भी नहीं दिखे। मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण आपने मुझे अब तक अपने दर्शन से वंचित रखा? आप मूर्ति रूप में ही इस संसार में पूजे जाते हैं, और आज मैंने आपका दर्शन किया और मैं धन्य हो गई। प्रभु, अब मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तो मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गए। धार्मिक तो मैं आपके दर्शन करके ही हो गई, और धर्म का कार्य मैंने किया। अर्थ की मुझे लालसा नहीं, अर्थात कि पैसे धन संपत्ति से बढ़कर तो आप ही हैं, और काम रूप भी मुझे नहीं भाता, क्योंकि काम रूप में भी मैं आपको ही अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ, कि मैं एकमात्र आपको ही पति रूप में पूजती हूँ। और मोक्ष की भी मुझे लालसा नहीं, क्योंकि आपके दर्शन तो मोक्ष प्राप्ति के ही लायक हैं, वरन मोक्ष से भी बढ़कर हैं। मित्रों, ऐसा कथा में प्रचलित है कि ये सब वार्ता वे स्त्री मन में ही सोच रही थी और बोल रही थी, क्योंकि उसके मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। लेकिन श्री कृष्ण उसके सब मन की बात सुन रहे थे, और स्वयं श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे भक्त वत्सला देवी, सुनो, तुम तो सदैव ही मुझे खोजती रही, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में ही कण कण में व्याप्त था, और ज़रूरत थी तुम्हें हर प्रत्येक वस्तु में मेरा दर्शन करने की, लेकिन तुमने निधिवन में आकर मेरा दर्शन करना चाहा। तब श्री कृष्ण ने उसे प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक कण कण में अपना दर्शन कराया, और वे लड़की वहीं मूर्छित हो गई। मूर्छित होने के बाद जब उसका नींद खुला, अर्थात कि उसका स्वप्न टूटा, तो वे सुबह मूर्छित अवस्था में निधिवन में पड़ी हुई थी। पुजारियों ने आकर उन पे जल छिड़काव किया और बोला कि ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना हुआ। उसे लड़की ने सभी पुजारियों को बताया, और साथ ही साथ सभी पुजारी भी ये जान चुके थे कि रात्रि को यही लड़की रुक गई थी निधिवन में। और तभी से मित्रों यह कथा प्रचलित हुई। वह लड़की जम्मू की मीरा के नाम से बताई जाती है। उनकी कथा विचित्र रूप से ब्रजवासियों में गाई जाती है और प्रचलित है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की हमारी यह जानकारी आप सभी को प्रिय लगी होगी। मित्रों, फिर से वह लड़की वृंदावन में ही भक्ति करने लगी, और माना जाता है कि उसने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप में निधिवन में दर्शन किया। मित्रों, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और आप भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य लाभ उठाएं, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर। और आप भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी निरंतर लेना चाहते हैं, तो जल्द से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय।